हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कनाडा के स्कूल्स के बारे में, क्या एजुकेशन सिस्टम है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है। और मेरे ब्लॉग चैनल में ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि सुची बताओ कि कनाडा में बच्चों के एजुकेशन का क्या सिस्टम है, इंडिया से कितना डिफरेंट है। तो इनकेस आप कनाडा का डेली लाइफस्टाइल देखना चाहते हो, एक हाउसवाइफ के लिए बच्चों की लाइफ कैसी होती है, एजुकेशन, ग्रॉसरीज, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, तो आप मेरा ब्लॉग चैनल फॉलो कर सकते हो, हैप्पी होम हैप्पी लाइफ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई हैव टू किड्स, 7 ईयर्स ओल्ड डॉटर जो कि ग्रेड 2 में है, और 3 ईयर्स ओल्ड सन जो कि प्री स्कूल जाता है। तो जनरली आपको ऑल ओवर कनाडा एक ही करिकुलम मिलेगा, बट यहाँ के एडमिशन के क्राइटेरिया, लाइक एज क्राइटेरिया में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है प्रोविंस टू प्रोविंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे स्कूल स्टार्ट कब से होता है। तो पहले प्री स्कूल स्टार्ट होता है। प्री स्कूल इज लाइक आप 2.5 ईयर्स टू 3 ईयर्स के बीच में स्टार्ट हो जाता है, लाइक स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए बच्चे को पॉटी ट्रेंड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री स्कूल फ्री नहीं है, उसका फी होता है, और वो वैरी करता है समवेयर बिटवीन $120 to $250, लाइक बिटवीन 100 to 200 to 250 तक डिफर करता है। और प्री स्कूल यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में डेली नहीं है, 2 डेज या फिर 3 डेज अ वीक होता है, बट अगेन इट डिफर्स फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। हम जब पहले एडमिंटन में रहते थे तो वहाँ पे 5 डेज अ वीक था प्री स्कूल, आई थिंक 4 डेज अ वीक था प्री स्कूल, और वहाँ पे कुछ एक स्कूल्स ऐसे थे कि अगर आपके बच्चे का कोई स्पेशल नीड है, लाइक उसका स्पीच डिले है या कोई लर्निंग अंडरस्टैंडिंग डिले है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाता था, बट इट डिपेंड्स। बट प्री स्कूल ऑल ओवर द कनाडा फ्री नहीं है। प्री स्कूल की टाइमिंग्स 3 आवर्स टू 4 आवर्स तक का होता है। मेरा बेटा केयूष जहाँ जाता है वो 3.5 आवर्स के लिए है, 9 AM to 12:30 PM। तो लास्ट ईयर जब उसने स्टार्ट किया था तो वो 2 डेज अ वीक था, और अब इस ईयर से 3 डेज अ वीक हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन का एज क्राइटेरिया, एडमिशन का एज क्राइटेरिया अगेन प्रोविंस टू प्रोविंस डिफर करता है। जब हम एडमिंटन में थे तो उनका कट ऑफ डेट था फर्स्ट मार्च को बच्चा 5 ईयर्स का हो जाना चाहिए, तभी वो सेम ईयर के सितंबर से किंडरगार्टन स्टार्ट करता है। बट यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में है December 31st। सो 31st December तक जो 5 ईयर्स का बच्चा हो जाता है वो उसी ईयर के सितंबर से किंडरगार्टन स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, माई सन केयूष, ही इज 2016 January बॉर्न, तो वो जाएगा 2022 में सितंबर सेशन से, और यहाँ पे न्यू सेशन स्टार्ट होता है सितंबर से थ्रू आउट। सो आपका जो एडमिशन का फॉर्म फिलअप एंड ऑल स्टार्ट हो जाता है जनवरी से। जनवरी टू फरवरी का टाइम होता है फॉर्म फिलअप का। सो जिस ईयर के सितंबर से आपका बच्चा स्कूल स्टार्ट कर रहा है, किंडरगार्टन स्टार्ट कर रहा है, उस ईयर के जनवरी एंड फरवरी में आपका फॉर्म फिलअप होगा। ओंटारियो ओनली स्टेट है एज पर माई नॉलेज जहाँ पे प्री किंडरगार्टन भी होता है। सो मेन स्कूल वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 4 ईयर से। एडमिशन क्राइटेरिया सब कुछ सेम है, इज जस्ट कि वो किंडरगार्टन से नहीं स्टार्ट होता, वो प्री किंडरगार्टन भी होता है और वो 4 ईयर से स्टार्ट हो जाता है बच्चे का मेन स्कूल। बट ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, इन सब जगह पे 5 ईयर से ही स्टार्ट होता है और वो डायरेक्ट किंडरगार्टन से स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में एक अर्ली लर्निंग फैसिलिटी भी है जिसको स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के नाम से जाना जाता है, और ये बिल्कुल फ्री है। कुछ एक स्कूल में ये अवेलेबल है जहाँ पे सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है आपको अपने बच्चे का। वो बर्थ सर्टिफिकेट देखते हैं और वो रजिस्टर कर देते हैं स्ट्रॉन्ग स्टार्ट में। ये है न्यूबॉर्न बेबी से लेके 5 ईयर्स तक। डेफिनेटली आप न्यूबॉर्न बेबी को तो नहीं लेके जाओगे, बट यस 8 मंथ 6 मंथ से आप अपने बेबी को लेके जा सकते हो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए और उनको बिजी रखने के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओनली थिंग, बच्चे के साथ केयर गिवर या फिर पेरेंट्स किसी का, किसी एडल्ट का होना जरूरी है। आप इंडिपेंडेंटली बच्चे को छोड़ के नहीं आ सकते, ये कोई डे केयर या स्कूल नहीं है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे आप बोल सकते हो पेरेंट्स चाइल्ड का ये प्रोग्राम होता है, जहाँ पे पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों साथ में रहते हैं और प्ले एंड लर्न काइंड ऑफ स्टफ होता है।
अब आते हैं किंडरगार्टन में एडमिशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, उसका पूरा इम्यूनाइजेशन डिटेल। तो जब भी आप इंडिया से या कहीं से भी जब आप रिलोकेट कर रहे हो कनाडा के लिए, तो मेक श्योर आप अपने बच्चे का जो भी इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट है, वैक्सीनेशन सारे डेट्स एंड एवरीथिंग वो लेके आओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे उसका नेक्स्ट वैक्सीनेशन भी उसी पे डिपेंड करेगा और स्कूल्स में भी चाहिए होता है। सो फर्स्ट हो गया बर्थ सर्टिफिकेट, नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन डिटेल्स, इम्यूनाइजेशन डिटेल्स, थर्ड इज एड्रेस प्रूफ। आप जिस भी जगह पे घर पे रह रहे हो, रेंटेड है, जो भी है, उस घर का एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। तो उसके लिए आप रेंट अग्रीमेंट की कॉपी दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी दे सकते हो, फोन बिल की कॉपी दे सकते हो, जहाँ पे भी आपका नाम अलॉन्ग विद द एड्रेस मेंशन है, वो एज एड्रेस प्रूफ वर्क करता है। प्लस बच्चे का पासपोर्ट, अगर आप पीआर पे हो तो पीआर कार्ड, या फिर जिस किसी वीजा पे हो वो वीजा का स्टेटस आपको दिखाना होता है। अगर आप वर्क परमिट पे हो तो आपको वो चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज आप स्कूल कैसे चूज करोगे। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स होते हैं, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल एंड कैथोलिक स्कूल। तो हर एक एरिया का एक कैशमेंट स्कूल होता है, एक एरिया है उसके लिए 1 या 2 स्कूल्स अलॉटेड होते हैं, और जो भी लोग उस एरिया में रहते हैं उनके बच्चों को उस कैशमेंट एरिया के स्कूल में एडमिशन ज़रूर मिलेगा विदाउट फेल। आप राउंड द ईयर कभी भी आ जाओ कनाडा में, डोंट वरी कि आपके इस बच्चे का एडमिशन कैसे होगा, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके कैशमेंट एरिया के स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके बच्चे का एडमिशन ज़रूर लेगी। अब एडमिशन जब आप मूव करते हो तो एज सच कोई टेस्ट नहीं होता है, बट हाँ अगर हायर ग्रेड में जा रहे हो तो वो सिंपल सा एक इंग्लिश या मैथ्स का टेस्ट ले लेगा। एंड वन थिंग आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो बिल्कुल मत सोचो कि आपके बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं, क्योंकि आई कंप्लीटली अग्री कि इंडिया का जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, लेवल है, वो काफ़ी हाई है कनाडा के लेवल से। यहाँ पे पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट है, स्पेशली एलिमेंट्री स्कूल लाइक ग्रेड 5 ग्रेड 6 तक बहुत ही ईजी गोइंग स्टडीज होते हैं, लेवल इंडिया का काफ़ी हाई है, तो आप इजीली आपके बच्चे को यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और हर एक एरिया में मोस्टली एक पब्लिक स्कूल होता है और एक कैथोलिक स्कूल होता है। कैथोलिक स्कूल और पब्लिक स्कूल दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको मंथली कोई भी मंथली फी देने की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्टली यूनिफॉर्म्स भी नहीं होते हैं, कुछ एक कैथोलिक स्कूल में शायद यूनिफॉर्म होते हैं, बट पब्लिक स्कूल में यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, जो बहुत अच्छी बात नहीं है, आपको बहुत सारे कपड़ों की शॉपिंग करनी पड़ती है बच्चों के लिए। एनीवेज एंड नेक्स्ट इज प्राइवेट स्कूल। हर एक सिटी में बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल नहीं होते हैं, बहुत कम प्राइवेट स्कूल होते हैं, और एडमिशन क्राइटेरिया भी थोड़ा टफ होता है, टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, या फिर रेफरेंसेस से आते हैं, तो एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है और डेफिनेटली एक्सपेंसिव होते हैं, तो एवरी मंथ प्रॉपर फी जाती है। स्टडीज किस तरह के होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ आप कह सकते हो कि जैसे पब्लिक स्कूल में होमवर्क्स एंड ऑल कुछ भी नहीं मिलते, बहुत ही प्लेफुल मैनर में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो कि आई रियली अप्रिशिएट कि बहुत अच्छी टेक्निक है बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो होमवर्क का प्रेशर नहीं होता यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स में, या फिर वो याद करना, रटना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं फॉलो करते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो चीज़ें देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे फील्ड ट्रिप्स पे जाते हैं, नेचर को एक्सप्लोर करते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ से यहाँ पे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, जो डेफिनेटली उनको लॉन्ग रन में हेल्प करता है। बट अगर आप इंडियन पेरेंट्स हो, आई नो आई एम अ इंडियन मदर, तो मुझे पता है कि हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुक्स भी नहीं प्रोवाइड होते बच्चों को। टीचर अपने अकॉर्डिंग, जो भी यहाँ पे कनाडा एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, कोई बुक नहीं होता। बट अगर आप चाहते हो अपने बच्चों को घर पे पढ़ाना, तो यहाँ पे वॉलमार्ट में, अमेजोन पे कैनेडियन करिकुलम के बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स मिलते हैं, प्रैक्टिस बुक्स मिलते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, राइटिंग प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस, तो आप वो सारे बुक्स ले सकते हो घर पे, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते, बहुत अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएंगे, और आप घर पे अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते हो, जो कि मैं हमेशा करती हूँ अपनी बेटी के साथ। यहाँ पे स्कूल्स के 2 लेवल्स हैं, एलिमेंट्री स्कूल और हाई स्कूल, सीनियर स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल मोस्टली किंडरगार्टन से या फिर प्री किंडरगार्टन से ग्रेड 6 ग्रेड 7 तक होता है। इट डिफर्स, कुछ एक स्कूल्स में ग्रेड 9 तक भी होता है। और सीनियर स्कूल इज ग्रेड 8 टू ग्रेड 12।
अब अगर हम एग्जाम्स की बातें करते हैं तो जैसे इंडिया में हर एक क्लास में ईयर के 3-4 एग्जाम्स होते हैं, मंथली एग्जाम्स होते हैं, वीकली टेस्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, क्लास में असेसमेंट्स होते रहते हैं, टीचर टाइम टू टाइम अपने अकॉर्डिंग बच्चे का टेस्ट भी लेते हैं, बट एज सच कोई आपको एग्जाम शेड्यूल नहीं जाता कि एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, ये सिलेबस है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे दो प्रोविंशियल एग्जाम्स होते हैं एलिमेंट्री लेवल तक, वन इज इन ग्रेड 4 एंड नेक्स्ट इज ग्रेड 7। तो ग्रेड 4 में जब बच्चा जाता है तब एक प्रोविंशियल लाइक पूरा स्टेट का जो प्रॉपर टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, असेसमेंट होता है, जिसमें पूरा सिलेबस होता है ग्रेड 3 तक का। और ग्रेड 7 में जो होता है वो होता है ग्रेड 5 ग्रेड 6 का सिलेबस होता है। और डेफिनेटली हाई स्कूल में लाइक ग्रेड 8 ऑनवर्ड्स तो फिर काफ़ी ज़्यादा असेसमेंट्स, एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स, वो सब कुछ होता है। तो ये मोस्टली मैं बात कर रही हूँ एलिमेंट्री स्कूल का, जहाँ पे ग्रेड 4 में और ग्रेड 7 में होता है एक प्रोविंशियल स्टेट लेवल में एग्जाम। यहाँ पे कुछ एक पब्लिक स्कूल फ्रेंच इमर्जन्स के भी होते हैं, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स फ्रेंच पे पढ़ाए जाते हैं और एक इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं अपने बच्चों को फ्रेंच स्कूल में भेजना, क्योंकि आगे जाके गवर्नमेंट सर्विसेज और काफ़ी सारे जॉब्स ऑप्शंस ऐसे निकलते हैं जहाँ पे उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जिनको फ्रेंच बहुत अच्छे से आती है। तो इंग्लिश तो यहाँ पे लोग घर पे बच्चे सीख ही जाते हैं, और तो इसीलिए वो प्रेफर करते हैं फ्रेंच इमर्जन में डालना। तो काफ़ी सारे पब्लिक स्कूल्स हैं जहाँ पे फ्रेंच इमर्जन फॉलो किया जाता है। तो अगेन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल चॉइस। अब आते हैं हम पब्लिक स्कूल को चूज कैसे करते हैं। लाइक यहाँ पे पब्लिक स्कूल की भी रेटिंग्स होती हैं जो कि आप चेक कर सकते हो, ऑनलाइन वेबसाइट है एक compareschoolranking.org। काफ़ी लोग ये रैंकिंग देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि उनको किस एरिया में रेंट करना है घर, या फिर जब खरीदने की बात आती है घर। नेक्स्ट इज स्कूल बस। स्कूल बस सारे स्कूल्स में अवेलेबल नहीं होता। अगर आपका स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तभी स्कूल बस प्रोवाइडेड होता है, और स्कूल बस के एक नॉमिनल चार्ज होता है, ईयरली चार्ज होता है, आई एम नॉट श्योर वो कितना होता है, बट स्कूल बस फ्री नहीं होता है। यहाँ पे स्कूल की टाइमिंग्स है 8:45 AM टू 2:36 PM। डिफर करता है 5-10 मिनट्स ऊपर नीचे होता है स्कूल टू स्कूल, बट जनरली यही टाइमिंग्स होती हैं। किंडरगार्टन कुछ एक प्रोविंसेस में हाफ डे है, जैसे अल्बर्टा में जब हम एडमिंटन में थे तो किंडरगार्टन हाफ डे था, लाइक 9 AM टू 12:30 PM था। बट यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में, ओंटारियो में किंडरगार्टन, इवन प्री किंडरगार्टन फुल डे होता है, लाइक 9 to 2:30। अगर यहाँ पे बोथ द पेरेंट्स वर्किंग है और आपके बच्चों को देखने के लिए कोई है नहीं घर पे, तो बहुत अच्छे डे केयर्स होते हैं यहाँ पे जो बिल्कुल रिलायबल हैं, काफ़ी अच्छे से आपके बच्चे की केयर करते हैं, बट डेफिनेटली एक्सपेंसिव होता है। आप न्यू बॉर्न बेबी से लेके 5 ईयर्स तक के बच्चे को फुल टाइम डे केयर में रख सकते हो। डे केयर की मंथली फी वैरी करती है, बच्चा जितना छोटा होता है फी उतना ही ज़्यादा होता है। लाइक न्यू बॉर्न बेबी का आई रिमेम्बर एडमिंटन में लाइक 3 ईयर्स पहले का जो मुझे पता है इट वॉज अराउंड $1,000, और जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है थोड़ा बहुत कम हो जाता है, बट इट विल बी लाइक $700 to $1,000 के बीच में मंथली चार्जेस होते हैं। बट आपके फैमिली इनकम के अकॉर्डिंग कुछ एक रिबेट आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, चाइल्ड केयर बेनिफिट भी मिलता है, और अगर डे केयर का भी आप अप्लाई करते हो डे केयर की फ़ी का, उसका भी कुछ पोर्शन आपको मिल जाता है अगर आपका फैमिली इनकम, टोटल फैमिली इनकम उस रेंज में आता है तो। और जब आपका बच्चा फुल टाइम स्कूल में चला जाता है तो 2:30 के बाद आफ्टर स्कूल केयर होता है वो। तो कुछ एक स्कूल्स में स्कूल के अंदर ही डे केयर्स होते हैं, कुछ एक डे केयर्स अराउंड द स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जो आपके बच्चे को स्कूल से पिक करते हैं, और फिर आप इवनिंग में 5:30 6 o'clock मैक्सिमम होता है डे केयर का, कि आप 6 o'clock से पहले 5:30 तक अपने बच्चे को पिक कर लेते हो डे केयर से। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं आफ्टर स्कूल केयर के। आफ्टर स्कूल केयर का फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक $100 to $200 तक जाता है, डिपेंडिंग कि कितने टाइम के लिए आपका बच्चा वहाँ रह रहा है। बट ये सिटी काफ़ी बड़ी होती है तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं आफ्टर स्कूल केयर के स्पेशली। मैं ननाइमो का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, यहाँ पे आफ्टर स्कूल केयर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है
वेटिंग लिस्ट भी नहीं मिल रहा है. इनफैक्ट एक टाइम था जब मैं सर्च कर रही थी मेरी बेटी के लिए आफ्टर स्कूल केयर और मुझे नहीं मिला. लाइक वो वेटिंग लिस्ट में भी नहीं ले रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं. बच्चे इतने ज़्यादा हैं और डे केयर्स नहीं है, आफ्टर स्कूल केयर नहीं है. डे केयर फिर भी मिल जाता है फुल टाइम का, अगर आप अपने बच्चे को रखना चाहते हो लेस देन 5 ईयर्स तो डे केयर तो मिल जाता है, इतना भी मुश्किल नहीं होता है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं. बट आफ्टर स्कूल केयर का है थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे, ननाइमो में है. एंड आई थिंक हर एक छोटी सिटी में ये प्रॉब्लम होती होगी, बिग सिटीज़ में तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं. एक स्पेशल प्रोग्राम मैं बताना चाहूँगी जो कि सिर्फ एडमिंटन में है, कॉगिटो प्रोग्राम. ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो काफ़ी कुछ मैच करता है इंडियन स्टैंडर्ड से. प्रॉपर होमवर्क होता है, एवरी वीक टेस्ट होता है, और जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो नॉर्मल पब्लिक स्कूल से काफ़ी ज़्यादा हाई है. तो जब हम एडमिंटन में थे, हमारे कुछ फ्रेंड्स के बच्चे वहाँ जाते थे, तो हमने देखा था होमवर्क का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है. एवरी डे लाइक हाफ एन आवर, 1 आवर का होमवर्क दिया जाता है उनको. एडमिशन क्राइटेरिया थोड़ा टफ है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर वो पास करता है तभी उसको एडमिशन मिलता है. और ये सिर्फ एडमिंटन में अवेलेबल है. और मैंने देखा है उस कोगिटो प्रोग्राम में मोस्टली एशियन बच्चे जाते हैं. तो आई होप यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, स्कूल के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा. और जब भी आप इंडिया से आ रहे हो या किसी भी कंट्री से आ रहे हो कनाडा में, एडमिशन का बिल्कुल टेंशन मत लो. यहाँ पे एडमिशन बहुत अच्छे से, बहुत इजीली मिल जाएगा आपके बच्चे को. अगर एवरेज इंग्लिश आती है वो बहुत अच्छे से सेटल डाउन कर जाएगा. और हर एक कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होते हैं. यहाँ पे कनाडा की यही खूबसूरती है कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी है ये, तो हर एक कंट्री के बच्चे होते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनेडियन बच्चे ही होते हैं, तो बच्चे को भी आउट ऑफ प्लेस फील नहीं होगा. शायद कोई इंडियन बच्चा भी होगा आपके बच्चे के क्लास में. सो डोंट वरी, टीचर से कम्युनिकेशन ज़रूर रखो जब भी आप ड्रॉप कर रहे हो, पिक कर रहे हो. जस्ट हाय हेलो रखो कि टीचर जान सके आपको. और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको बच्चे की तरफ से, कोई कंप्लेन आ रहा है या फिर कोई भी आप चेंजेस देख रहे हो, गो एंड टॉक टू द टीचर. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन क्लियर रखना. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.